गुड आफ्टरनून, हाँ माई सेल्फ करतार चौधरी, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर. टुडे आई स्टार्ट ई लेक्चर ऑन ऑसिलेटर्स यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर. बिफोर स्टार्टिंग वेन ब्रिज एंड आरसी ऑसिलेटर, वी टेल अबाउट द बेसिक्स ऑफ एन ऑसिलेटर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑसिलेटर्स. वी में क्लासीफाई ऑसिलेटर इन डिफरेंट वेज लाइक एज टाइप्स ऑफ कंपोनेंट यूज, आर सी कंपोनेंट, एल सी कंपोनेंट, क्रिस्टल्स लाइक दैट. अदर क्लासीफिकेशन इज ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसीज. फ्रिक्वेंसी के बिहाव पे भी इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर्स. अनदर वे ऑफ क्लासीफिकेशन इज वेव फॉर्म जनरेशन, यानी आउटपुट किस तरीके का मिल रहा है, साइनोसोइडल और नॉन साइनोसोइडल आउटपुट्स लाइक दैट. नाउ व्हाट इज द ऑसिलेटर्स बेसिक डेफिनेशन. डेफिनेशन ऑफ एन ऑसिलेटर इज दैट एन ऑसिलेटर हैव एन एम्पलीफायर हुज आउटपुट इज फीडबैक टू द इनपुट इन फेज, दस इट यूजेज पॉजिटिव फीडबैक. ओके, ऑसिलेटर एक एम्पलीफायर है जिसमें कि पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है, ना कि नेगेटिव. बेसिक एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक का यूज किया जाता है, बट ऑसिलेटर के केस में पॉजिटिव फीडबैक का यूज किया जा सकता है. दैट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन ऑसिलेटर. ऑसिलेटर्स जिसमें बायसिंग की हुई है और आउटपुट, यानी इनपुट की जरूरत नहीं होती है. एक ऑसिलेटिंग टैंक सर्किट होता है जो ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है, और एक एम्पलीफायर लगा होता है जो ऑसिलेशन को मेंटेन रखने का काम करता है, जो भी लॉसेज है लॉसेज को मीट करने का काम करता है. नाउ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एन ऑसिलेटर्स. ऑसिलेटर का बेसिक प्रिंसिपल बारखासन क्राइटेरिया पर आधारित होता है, यानी किसी एम्पलीफायर को एज एन ऑसिलेटर वर्क करवा सकते हैं अगर वो फॉलोइंग कंडीशंस को फुलफिल करे, मीट करे. कौन कौन सी कंडीशंस होती है? देर आर थ्री कंडीशंस. एम्पलीफायर मस्ट हैव पॉजिटिव फीडबैक, यानी ऑसिलेटर में ऑलवेज पॉजिटिव फीडबैक लगाया जाता है. सेकेंड वन इज पॉजिटिव फीडबैक लगाने के लिए और ऑल जो फेज शिफ्ट है वो 0 डिग्री या 360 डिग्री होना चाहिए, यानी इनपुट और आउटपुट के बिटवीन में जो फेज शिफ्ट है, ओवरऑल फेज शिफ्ट है, टोटल लूप में जो फेज शिफ्ट है वो 0 या फिर 360 डिग्री होना चाहिए. एंड लास्ट वन इज़ द लूप गेन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, यानी बार कसन क्राइटेरिया फुलफिल होता है, देन कोई भी सर्किट एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा, कोई भी एम्पलीफायर एन ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा. दैट इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन ऑसिलेटर. ब्लॉक डायग्राम इस तरीके से ऑसिलेटर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. और कुछ आइडिया लेते हैं ऑसिलेटरी टैंक सर्किट, यानी ऑसिलेशन टैंक सर्किट के द्वारा या ऑसिलेटरी सर्किट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आर सी, एल सी या आर एल, इनका कॉम्बिनेशन होता है. और ये जो ऑसिलेशंस इनके द्वारा जो जनरेट किए जाते हैं वो किसी एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई करके और आउटपुट पर दिए जाते हैं, और ये पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू वापस फीड होते हैं. इस तरीके से रीजनरेशन इफेक्ट चलता है और अपने को एक सस्टेन ऑसिलेशंस मिलते रहते हैं. देखिए वर्किंग ऑफ ए टैंक सर्किट एक बार फिर से देख सकते हैं. एक टैंक सर्किट का एग्जाम्पल लिया मैंने और इसकी वर्किंग आपको बता देते हैं. चार्जिंग डिस्चार्जिंग कॉन्सेप्ट है ये, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कॉन्सेप्ट है, इसी पे ये काम करता है. ओके, दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ एन ऑसिलेटर. नाउ वी स्टार्ट वेन ब्रिज ऑसिलेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर. वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स जैसा इसका नाम है, इसमें एक ब्रिज होता है जो ओपेम के अराउंड लगा होता है, और अगर ब्रिज बैलेंस है तो जो फ्रिक्वेंसी होगी वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी, और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे ऑसिलेशंस प्रॉपर होंगे, सस्टेन ऑसिलेशन होंगे, बिकॉज बारखासन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा. यहाँ पे देखिए वैन ब्रिज ऑसिलेटर है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर होता है, ये सिंपल और स्टेबल होता है. दैट इज़ द सर्किट डायग्राम ऑफ वैन ब्रिज ऑसिलेटर्स.
इस सर्किट डायग्राम को रीअरेंज करके ब्रिज फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है, वेन ब्रिज ऑसिलेटर। इसमें एक R1 और RF कॉन्सेप्ट होता है, जो कि आउटपुट से इनपुट पे सिग्नल फीड किया जाता है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। सिमिलरली एक RC पैरेलल और RC सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, जो कि ब्रिज का काम करता है, और इस RC नेटवर्क के थ्रू आउटपुट से सिग्नल फीड किया जाता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे। अगर ये जो RC पैरेलल RC सीरीज दो आर्म, R1 तीसरे आर्म और RF चौथे आर्म, ये ब्रिज जो बनता है अगर वो बैलेंस होता है, इस केस में रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, और बैलेंस के केस में टोटल फेज शिफ्ट 0 डिग्री होता है, यानी सर्किट का टोटल फेज शिफ्ट 0 डिग्री होता है, और लूप गेन भी सफिशियंट होता है। दैट मीन्स वैन ब्रिज जो यहाँ पे है वो एक प्रॉपर ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि टोटल फेज शिफ्ट 0 होने की, कि ब्रिज आपका बैलेंस हो। सर्किट की वर्किंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट से ओपेम के दोनों इनपुट पे सिग्नल फीड किया जाता है। एक अरेंजमेंट R1 और RF है, यानी R1 और RF के द्वारा सिग्नल इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे दिया जाता है, और इसका मेन पर्पस गेन को कंट्रोल करना, गेन को सेट करना होता है, एम्पलीफायर के गेन को सेट करना होता है, लिमिट करना होता है। सेकेंड वन इज़ RC सीरीज एंड RC पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और इस RC नेटवर्क के थ्रू भी आउटपुट इनपुट फीड किया जाता है, जो कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे फीड किया जाता है, और इसमें जो आउटपुट सिग्नल जो फीड किया जाता है RC नेटवर्क को, तो इसका जो आउटपुट होता है वो 1/3 होता है इनपुट के। RC नेटवर्क का जो आउटपुट होता है, यानी VF जो सिग्नल होता है, वो इनपुट सिग्नल का 1/3 होता है, बाकी सिग्नल इसमें ड्रॉप होता है। तो 1/3 सिग्नल, जो कि 1/3 भी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे होता है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे जो मैक्सिमम सिग्नल होता है RC नेटवर्क का, जो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीड किया जाता है, वो 1/3 ऑफ इनपुट होता है। VF इज 1/3 ऑफ दिस इनपुट सिग्नल। ओके, तो इतना सिग्नल, यानी अगर इसको एम्पलीफायर का गेन अगर 3 गुना हो, तब जाके इस सिग्नल को कंपनसेट किया जाएगा। तो इसलिए इसको सेट RF और R1 कॉम्बिनेशन के द्वारा जो गेन सेट किया जाता है वो 3 गुना किया जाता है, जैसे कि आगे देखेंगे। यानी दो तरीके से सिग्नल फीड किए, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे और एक इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो सिग्नल फीड किया, उसका पर्पस गेन को लिमिट करना, सेट करना होता है एम्पलीफायर के ऑसिलेटर का, और नॉन इन्वर्टिंग पे जो दिया उसका काम ऑसिलेशन का होता है। ये जो सर्किटरी है इसको टैंक सर्किट या फीडबैक सर्किट कहते हैं, और ऊपर जो डैश लाइन से दिखाया गया है, इस सर्किट को एम्पलीफायर सर्किट कहते हैं।